वेलकम बैक फ्रेंड्स, बंधुओं, इस वीडियो में हम लोग रेलवे के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का क्विज करेंगे। तो आप कागज़ और कलम लेकर के तैयार हो जाइए, देखिए कितने प्रश्नों का सही जवाब आप दे पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्विज को बंधुओं। पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा बंधुओं राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका बंधुओं, गरसोप्पा प्रपात किस नदी पर है? गरसोप्पा प्रपात किस नदी पर है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है शरावती नदी। शरावती नदी पर बंधुओं गरसोप्पा प्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है आपका बंधुओं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, इस प्रश्न का क्या आंसर होगा बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है अकबर और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई बंधुओं अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है आपका बंधुओं, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है गुलबर्गा। क्या बंधुओं? गुलबर्गा। अगला प्रश्न है आपका, किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जी बंधुओं गुरु नानक जी के जीवनी लिखे थे। अगला प्रश्न है आपका बंधुओं, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है बंधुओं नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है आपका बंधुओं, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है 1972। 1972 ईस्वी में बंधुओं, कब? 1972। 1972 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका बंधुओं, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है जय संहिता। जय संहिता बंधुओं महाभारत का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है आपका बंधुओं, सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद कौन है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद बंधुओं सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है आपका बंधुओं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय बंधुओं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। अगला प्रश्न है आपका बंधुओं, ध्वनि का मात्रक क्या है? ध्वनि का मात्रक क्या है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है डेसिबल। डेसिबल बंधुओं ध्वनि का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है आपका बंधुओं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी बंधुओं करो या मरो का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है आपका बंधुओं, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है सासाराम। सासाराम में बंधुओं शेर शाह का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है आपका बंधुओं, रबर क्या है? रबर क्या है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इसका आंसर है रबर एक
प्राकृतिक बहुलक है। क्या है बंधुओं? रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न है आपका बंधुओं, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में बंधुओं नाटो का मुख्यालय है। थैंक यू।